हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम भी यहाँ बड़े मजे में हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप मेरे कोई भी वीडियोस को मिस ना करें, और अगर पसंद आए तो इसे एक लाइक भी कर दे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही खास बंगाली रेसिपी शेयर करूंगी। तो आज हम बनाएंगे झींगे बहार, जिसके लिए मैंने तुरई या झींगे जो भी आप इसे कहें अच्छे से छील के इसे बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। अब हम एक पेस्ट बना के तैयार करेंगे काजू, थोड़ा सा चाल मगज और अदरक का, जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। जब तक मैं झींगे की भुनाई कर रही हूँ, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों को थैंक्स बोल पाऊँ। इस रेसिपी में बहुत ही कम मसाले जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ नमक, हल्दी और थोड़ा सा जीरा का पाउडर ऐड किया है। इसके बाद इसमें हम पेस्ट को ऐड करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। ये देखिए, हमारा झींगे बाहर बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। लास्ट में इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा फ्रेश कोकोनट और थोड़ी सी किशमिश। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है। थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड कर दी है, ढक के थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। और इसके बाद हम लोगों ने जो बरी को भाज के रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे, थोड़ा सा चीनी और गरम मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा घी। ढक के इसे 2 मिनट तक के लिए स्टैंडिंग टाइम देंगे और उसके बाद गर्मा गर्म चावल के साथ इसे सर्व करें। खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है।